हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितु शर्मा। आज की हमारी रेसिपी है वेज मंचूरियन ग्रेवी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप चॉप किया हुआ पत्ता गोभी, और इसको एक बाउल में डाल लेंगे। 1 कप कसी हुई गाजर, उसको भी हम बाउल में डाल लेंगे। 1/4 कप कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे। अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम पानी और ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक डाला हमने सब्जी में, वो जो सब्जियां पानी छोड़ेंगी उसी से सारा बैटर रेडी हो जाएगा। हमारा मिक्सचर अब रेडी हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे लेमन साइज़ की, और उसको गर्म तेल में डालेंगे। एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे जितनी इस कढ़ाई में आ सकती हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और आप जब भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं, और हम इनको इसमें से बाहर निकाल लेंगे। और बाकी बचे हुए बैटर से बाकी मंचूरियन बॉल्स हम रेडी कर लेंगे। और हम मंचूरियन के लिए ग्रेवी रेडी करेंगे। उसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल हम एक कढ़ाई में गरम कर लेंगे। इसमें 1/2 कप चॉप किया हुआ प्याज डालकर हाई फ्लेम पर उसको स्टिर फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। और फिर 2 मिनट के बाद उसमें 1/2 कप चॉप किया हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, और इसको 1 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करेंगे। हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ा क्रंची सा ही रखना है। फिर इसमें 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। एक टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप गार्लिक चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं। और अब इसको 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें 1/2 से 1 टेबलस्पून और ग्रीन चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे, और अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगी तो इसमें 2.5 कप पानी ऐड करेंगे, और उसको मिक्स कर लेंगे।
आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें एक बॉईल आने तक इसको गरम करेंगे। बॉईल होता है तब तक हम अपनी स्लरी रेडी कर लेते हैं। और उसके लिए हमें आधा कप पानी चाहिए और उसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। और ये मिक्स हो गया है। हमारी ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और जो हमने कॉर्नफ्लावर मिक्सचर रेडी किया था, स्लरी रेडी की थी, उसको हम इसमें धीरे धीरे ऐड कर देंगे। मिक्सचर को धीरे धीरे चलाते रहेंगे जिससे उसमें लम्स ना बने। इसको लगातार चलाते रहना है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी धीरे धीरे थिक होने लगी है। इसमें एक बॉयल आने देते हैं। जब इसमें एक बॉयल आ जाए और ये ग्लॉसी दिखने लगे तो इसमें हम मंचूरियन बॉल्स ऐड करेंगे जो हमने पहले डीप फ्राई करके रखी थी। और अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स को ऐड कर देते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल करेंगे एक बॉयल आने तक। सारी बॉल्स को अच्छे से डिप कर देंगे ग्रेवी में। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि सोया सॉस में भी सॉल्ट है और मंचूरियन बॉल्स में, तो उसके अकॉर्डिंग अपना सॉल्ट ऐड करें। बॉयल आने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और कटे हुए हरा धनिया से या चॉप्ड स्प्रिंग ऑनियन से इसको गार्निश करें। और अब हमारी वेज मंचूरियन ग्रेवी रेडी है। इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।